एक्चुअली आई एम एन एथलीट, आई एम ए स्टेट एथलीट। मेरे वर्कआउट के टाइम ही मैं स्टेयर्स जंप कर रही थी, तो उसी टाइम जब मैंने लैंड किया तब मेरे नी में मुझे दिक्कत लगी, है ना। तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत लगी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो उस टाइम तो समझ में ही नहीं आया। देन दिखाया, देन अपोलो में आया, मैंने यहाँ पे सौरभ जैन डॉक्टर से कंसल्ट किया। इसके घुटने का लिगामेंट टूट गया था और इसका मेनिस्कल टियर हो गया था। ऐसे पेशेंट बहुत ही अप्रिहेंसिव होते हैं, क्योंकि इनका बाय प्रोफेशन इनका टारगेट होता है कि ये अपना करियर इसी फील्ड में बनाए। इनके पेरेंट्स की भी उतनी ही अप्रिहेंशन थी, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, क्या ये वापस एक्टिविटी लेवल उतना ही अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि ऑपरेट ही होगा, लिगामेंट टियर हुआ है और थोड़ा मेनिस्कस टियर भी हुआ है। दिसंबर में इसकी सर्जरी करी थी। इसका ग्राफ्ट हम लोगों ने पेरोनिस लॉन्गस, बाकी जैसे मैं सारे केसेस में उठाता हूँ, वो नहीं लिया था, हमने हैमस्ट्रिंग लिया था, क्योंकि ये एक 100 मीटर स्प्रिंटर है। इस केस में इसके एंकल के मूवमेंट की इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता, बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए था। तो हम लोगों ने इसके मेनिस्कल रिपेयर भी किया साथ ही साथ, और साथ में इसका लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन भी किया। सौरभ जी डॉक्टर बच्चे इस तरह बात करते हैं, बेटा बेटा करके, इसे बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब जैसे लग रहा है अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं। और ऑपरेशन भी उसने बहुत अच्छे तरीके से किया सर, और जब भी हम लोग मिलना चाहे सर से तो बिना हिचकिचाहट, जैसे डॉक्टर के पास जाने से एक होती है कि नहीं क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे, लेकिन ये सर इतने अच्छे थे कि बहुत प्यार से एंट्री देते थे, आइए आइए बेटा आइए आइए, दिखाइए अपना पैर दिखाइए, मतलब बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट है सर का। अच्छी बात ये होती है स्पोर्ट्स प्लेयर के अंदर कि ये लोग रिहाब बहुत सिंसियरली और बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। जो टारगेट हमें 6 महीने में अचीव करना था, इसने 3 ही महीने में उनको पैरामीटर्स को अचीव कर लिया, और आज ये वापस स्पोर्ट्स फील्ड पे उतर चुकी है। अपनी डे टू डे एक्टिविटी तो कर ही लेती है और वापस हमारे स्टेट के लिए खेलने की तैयारी कर रही है। अपोलो में ही थेरेपी हो रही है और वहाँ पे नीतीश सर है, वही थेरेपी करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फायदा, अभी 2 महीना हो गया है तो मैं अपनी रनिंग वगैरह भी कंटिन्यू कर रही हूँ, अपनी एक्सरसाइजेस भी कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है।